एवरीवन, एक्सेल फॉर फाइनेंस में आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आज मैं चर्चा करूंगी बीटा कैलकुलेशन की। तो बीटा कैलकुलेशन क्या होता है, बीटा एग्जैक्टली क्या होता है, हमने अपने सम्स में लीवर्ड बीटा, अनलीवर्ड बीटा को काफी इस्तेमाल किया है। इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दी CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ऑलराइट, तो वैसे तो हमें बीटा ऑलरेडी मिल जाते हैं क्वेश्चंस में, बट रियल लाइफ में फाइनेंशियल रोल्स में हमें बीटा कैलकुलेशन करना होता है। ऑलराइट, तो आज मैं आपको वही एक्सेल पे करके दिखाऊंगी, बट बिफोर दैट एज यूजुअल आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। ऑलराइट, तो बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा एक मेजरमेंट है, अगर सिंपली बोलें तो बीटा एक मेजरमेंट है जिससे कि हमको किसी इंडिविजुअल स्टॉक XYZ जिस भी कंपनी का स्टॉक हो उसके वॉलिटिलिटी का मेजर पता चलता है। वॉलिटिलिटी किस चीज का, कि भाई उस इंडिविजुअल स्टॉक का जो रिटर्न मिल रहा है, उस इंडिविजुअल स्टॉक से जो रिटर्न्स हमको मिल पा रहे हैं वो उस मार्केट इंडेक्स, वॉट एवर मार्केट इंडेक्स वी आर टेकिंग, उस मार्केट इंडेक्स के रिटर्न के हिसाब से कितने वॉलेटाइल है। ऑलराइट, यही होता है ना बेटा कैलकुलेशन, और इसको हम लोग CAPM में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम एग्जैक्टली एक्सेल पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास, अगर आपको भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली बीटा क्या होता है, तो सिंपली अगर हिंदी में इसको बोले तो भाई एक मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया हुआ है इंस्टेंस S&P 500 इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वीकली प्राइजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वीकली प्राइजेस हैं, हर हफ्ते के क्लोजिंग प्राइजेस हैं। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उन वीकली प्राइसेस का जो डिफरेंस होता है वही तो रिटर्न होता है, राइट। तो परसेंटेज में हम रिटर्न निकालते हैं किसका, अपने बेंचमार्क का, अपने मार्केट इंडेक्स का। ऑलराइट, उसी तरीके से उन्हीं उन डेट्स का, उन्हीं उन वीकली डेट्स का क्लोजिंग प्राइस हम लेते हैं किसका, जिस रिटर्न का बीटा हमें कैलकुलेट करना है, जो कि यहां पे है। ऑलराइट, आप देख पा रहे हो हम इंडिविजुअली इनके रिटर्न्स निकालते हैं, इंडिविजुअली इनके रिटर्न्स निकालते हैं परसेंटेज में, और फाइनली हमारे पास जब ये सब इनपुट्स हो जाते हैं तो फिर हम फाइनली बीटा निकाल लेते हैं। उसकी बात मैं आगे करूंगी, बट बिफोर दैट प्लीज चेक दीज स्टेप्स रियली केयरफुली। ऑलराइट, सो हियर वी हैव द वीकली प्राइसेस ऑफ एनी इंडिविजुअल स्टॉक, लेट्स से एक्स। ऑलराइट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वीकली रिटर्न, सो फॉर दैट वॉट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इनपुट सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस वन। ऑलराइट, सो 3.8% का हमारा रिटर्न आता है वीकली। अब एक्सेल पे जब मैं इसको कॉपी डाउन करती हूँ, सो द शॉर्टकट इज कंट्रोल डी। ऑलराइट, तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, सो यू नीड टू चेक आउट द एक्सेल थिंग्स फर्स्ट। सिमिलरली आई वॉन्ट टू पुट द फॉर्मूलाज हेयर एज वेल, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, आई सिंपली सिलेक्ट दिस कंट्रोल सी, आई कम हियर Alt-ES फॉर्मूलाज पे जाकर के, मैं किस पे गई, फॉर्मूलाज पे जाकर के मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, बिकॉज जिनको एक्सेल आता है उनको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, दे विल बी एबल टू पिक दिस अप। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे ये फॉर्मूला ऑलरेडी लग चुका है। मैं इसको कैसे देख रही हूँ, फंक्शन F2 करके। ऑलराइट, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास हमारे मार्केट इंडेक्स के एज वेल एज मेरे इंडिविजुअल स्टॉक के जो वीकली रिटर्न्स हैं वो आ गए। सो दिस इज एन इनपुट जिससे हमारा बीटा कैलकुलेट होता है। उसके पहले मैं बता दूं बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2% चेंज इन द मार्केट इंडेक्स से, या फिर मान लो 20% चेंज इन द मार्केट इंडेक्स से 10% चेंज हो रहा है आपका स्टॉक का रिटर्न, ठीक है। तो मतलब कि अगर 20% चेंज हो रहा है उसका इंडेक्स का, तो 10% चेंज हो रहा है आपके इंडिविजुअल रिटर्न, स्टॉक का रिटर्न। तो 1% पे कितना चेंज होगा, यही तो होता है बीटा, यही होता है वोलेटिलिटी ऑफ योर इंडिविजुअल स्टॉक। समझ में आ गया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वैसे तो हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करते हैं, लेकिन यहां पे मैंने बताया एक्सेल इज सुपर क्विक एंड सुपर स्मार्ट। We have a function which is known as the slope function. I am telling you guys, ये सब जो मैं आपको function सिखा रही हूँ, NPV, XNPV मैंने आपको बताया, उसी तरीके से slope functions, these are real life saviors. अगर आपको ये आते हैं तो industry में, jobs वगैरह में, these are real life saviors. It save a lot of your time. तो मैंने slope function को क्या किया, सबसे पहले तो slope function, what it does? It returns the slope of a linear regression line
थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स। लीनियर रिग्रेशन लाइन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन लाइन हेल्प्स फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन विच इज डिपेंडेंट, द अदर विच इज इंडिपेंडेंट। इतना जानकारी की जरूरत नहीं है। तो स्लोप को मैंने एक्टिवेट किया, ठीक है। स्लोप को एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने इंडिविजुअल रिटर्न्स पे गई, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन की से मैंने सिलेक्ट किया, आई डिड कॉमा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने अपने इंडेक्स के रिटर्न्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया और ये हमारा आ गया बीटा। दिस इज 1.21, एज सिंपल एज दैट। है ना, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। आई ब्रिंग सर्टन मोर वीडियोज जहां पे मैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल आपको सिखाऊंगी, लोन अमोर्टाइजेशन में भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट्स को कैसे फटाफट कुछ क्लिक से निकाला जा सकता है वो लेकर के आऊंगी, कैसे हमारे पास कुछ रेट्स दे रखे हैं, लेट्स से इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं जिनकी कंपाउंडिंग अलग अलग तरीके से हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ की कंपाउंडिंग मंथली, कुछ की क्वार्टरली, कुछ की सेमी एनुअली एंड सो ऑन दे रखी है। तो उससे हम एक्सेल फंक्शंस, फाइनेंस फंक्शन यूज करके कैसे एक इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ला पाते हैं। सो दीज आर जस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स। वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल यू नो फीचर्स एंड फंक्शंस एम्बेडेड इन एक्सेल। So hopefully you liked it and please do subscribe our channel so that you get more you know brilliant updates like that, and please do comment aapko ye kaisa laga aur aap kaun se functions aur seekhna chahte ho। Thank you so much, thank you।